हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अनुवांशिक विकार के बारे में बताने वाला हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको उत्परिवर्तन बता दिया है और मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो भी बताया है, आपको पुनर्योजन एवं संलग्नता भी बताया है। तो उन सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक ऊपर यहाँ आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनुवांशिक विकार के बारे में, यानी अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और इसका प्रभाव क्या होता है वो भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जैसे अनुवांशिक विकार है, सबसे पहले समझते हैं कि अनुवांशिक विकार होता क्या है। तो देखिए, वैसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे विकार जो वंशागत होते हैं। वंशागत होने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ऐसे विकार जो वंशागत होते हैं उन्हें अनुवांशिक विकार कहा जाता है, ठीक है। अब विकार मतलब यहाँ पे बीमारी से है, डिसऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरी चीज, अब अनुवांशिक विकार आखिर उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है, अनुवांशिक विकार उत्पन्न कैसे होता है। देखिए, अनुवांशिक विकार तभी उत्पन्न होगा जब क्रोमोसोम या जीन में कोई उत्परिवर्तन हो, ठीक है। तो क्रोमोसोम या जीन में कोई उत्परिवर्तन होता है तो अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है। और अनुवांशिक विकार किसे कहेंगे, ऐसे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, या ऐसे विकार जो वंशागत होते हैं, उन्हें हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। अब चूंकि ये दो ही कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोमोसोम के द्वारा या फिर जीन के द्वारा, ठीक है, और जो अनुवांशिक विकार होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो चूंकि उनका वर्गीकरण करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, जो अनुवांशिक विकार होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में कैसे बांटेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां देखिए कैसे दो भागों में बांटेंगे, तो अनुवांशिक विकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं हम लोग मेंडलीय विकार, और जो दूसरा टाइप है उसको कहा जाता है क्रोमोसोमिया विकार, ठीक है। अब दो टाइप है तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मेंडलीय विकार क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुवांशिक विकार आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये दो ही कारणों से उत्पन्न होते हैं, या तो जीन में उत्परिवर्तन हो या फिर क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन हो। तो देखिए, मेंडलीय विकार में क्या होता है, जब एकल जीन में उत्परिवर्तन होता है तो मेंडलीय विकार उत्पन्न होता है, और जब क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है तब क्रोमोसोमीय विकार उत्पन्न होता है। अब इसको और अच्छे से समझिए और इसका परिभाषा भी याद कर लीजिए, आपको एक लाइन में याद हो जाएगा। ये मेंडलीय विकार किसे कहेंगे, ऐसे विकार जो एकल जीन द्वारा प्रभावित होते हैं, यानी कोई ऐसा विकार हो जो जीन द्वारा प्रभावित हो रहा हो, उसे हम कहेंगे मेंडलीय विकार। फिर से याद कर लीजिए, साथ साथ आपको याद हो जाएगा, ऐसे विकार जो एकल जीन द्वारा प्रभावित होते हों उन्हें मेंडलीय विकार कहते हैं, और इनकी वंशागति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे हमने वंशागति के नियमों को पढ़ा था। और वंशागति के नियम क्या होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया इसी चैप्टर में। आप शुरू से इस चैप्टर का वीडियो देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखिएगा, तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताया हूँ अलील क्या होता है, जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम, सारा कुछ मैंने बताया है, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बीच में आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके नीचे आपके जो सुझाव हो कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 11th और 12th साथ ही इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ, तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मेंडलीय विकार क्या होते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं,
कि मंडलीय विकार के कुछ एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल है वर्णाधता, वर्णाधता, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया, वर्णाधता, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि और भी इसके सारे एग्जाम्पल होते हैं। और इन रोगों की पहचान हम लोग वंशावली विश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण क्या होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि मंडलीय विकार कैसे किसे कहते हैं, तो ऐसे विकार जो एकल जीन द्वारा प्रभावित होते हों उन्हें मंडलीय विकार कहते हैं, जैसे वर्णाता, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। और इनकी वंशागति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे हमने वंशागति के नियम में पढ़ा था जो मेंडल ने बताया था। क्योंकि मेंडल ने जो बताया था नियम उसी के आधार पर उसी की तरह इनकी भी वंशागति होती है, इसलिए इसे मेंडलीय विकार भी कहते हैं। अब चूंकि हम जानना है कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है, तो मैं आपको वर्णाता, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया इन सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है। इससे मैं इसको क्लीन करके और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब जानते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है। तो वंशावली विश्लेषण से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वंशावली क्या होता है या वंशावली किसे कहते हैं। तो देखिए वंशागति का चित्र द्वारा प्रदर्शन क्या कहलाता है, वंशावली कहलाता है। वंशागति का चित्र द्वारा प्रदर्शन वंशावली कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई फैमिली है, ऐसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कोई, फिर यहाँ पे कोई ई है, उसके पुत्र हो गए दो सी और डी, ठीक है, सी और डी मान लीजिए उसके पुत्र हो गए। तो फिर इनकी शादी होगी तो इनके फिर कोई पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, और इनको मैं मान लेता हूँ ई एफ, और इनकी भी शादी हुई तो इनके तीन पुत्र हुए जी एच आई, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम चित्र द्वारा किसी के फैमिली के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इनकी वंशागति हो रही है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक के पुत्र पुत्री जो भी हुए, ये क्लियर नहीं करना है हमें, बस समझना है कि मान लीजिए दो पुत्र हुए सी और डी हुए, फिर इनकी शादी हुई तो इनके पुत्र हुए, पुत्र या पुत्रियाँ हुई ई और एफ, जबकि डी से हुए तीन पुत्र या पुत्री जी एच और आई। तो इस तरह का हम लोग जब चित्र बना करके वंशागति का चित्र द्वारा मतलब वंशागति को जब हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे वंशावली कहते हैं। और वंशावली में कई पीढ़ियों तक किसी लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको छोटा सा आइडिया दे रहा था कि वंशावली मतलब किसी के पूरा खानदान जो होता है या पूरी पीढ़ी होती है उसके बारे में पूरा चित्र के द्वारा बताते हैं तो उसे वंशावली कहेंगे। और उस वंशावली में किसी लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। तो आप परिभाषा याद कैसे रखिएगा, तो आपको परिभाषा में ऐसे ही याद रखना है कि वंशागति का चित्र द्वारा प्रदर्शन वंशावली कहलाता है तथा कई पीढ़ियों तक किसी विशेष लक्षणों का अध्ययन वंशावली विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वंशावली विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, चित्र द्वारा वंशावली को दर्शाते हैं या वंशागति को चित्र द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ चित्र होता है और वहाँ पे ही चित्र आप ध्यान से देखते जाइएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए जब नर को दिखाना होगा तो हम ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये नर है, ठीक है। जबकि मादा को दर्शाने के लिए सर्किल बनाएंगे, ठीक है, ये मादा है, ठीक है। और इस तरह से पैरेललोग्राम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज की तरह, तो इसे यहाँ पे पता चलता है कि लिंग निर्धारित नहीं है, यानी लिंग के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। लिंग यहाँ पे क्या है, अज्ञात है, हमें नहीं पता है कि लिंग कौन सा है, ये पहचान होता है। सेम उसी तरह से अगर हम इस तरह से स्क्वायर बनाएं और इसको रंग दें यानी इसको कलर कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि ये नर है, सबसे पहले तो स्क्वायर है इसका मतलब नर है और इसको कोई बीमारी है यानी कोई विकार है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रभावी
प्रभावी नर, यानी इस नर को कोई ना कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, या कोई विकार है। सेम उसी तरह से अगर सर्किल बना के घेर देंगे तो प्रभावी प्रभावी मादा कहलाएगी, प्रभावी मादा। जबकि ऐसे अगर हम समांतर चतुर्भुज बना के इसको रंग दें, ऐसे रंग दे जाए, तो इसे कहेंगे प्रभावी है लेकिन लिंग अज्ञात है। क्या है? प्रभावी तो है लेकिन लिंग क्या है? अज्ञात है। ठीक है, ये पहचान गए। अब समझते हैं, अगर इस तरह से फिगर बनाया जाए ऐसा, और फिर इसमें यहीं पे बनाता हूँ मैं इस तरह से, और दोनों के बीच एक लाइन दिखा दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इनकी इनसे मैथुन हुई है, मतलब ये नर हो गए और ये मादा, यानी इस नर और इस मादा के बीच मैथुन की क्रिया हुई है। मैथुन यानी संभोग, या जिसे आप कहेंगे कि फिजिकल रिलेशनशिप बना है। यानी ऐसे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई नर है और ये मादा है, तो इस नर की शादी इस मादा से हुई है, और ये समझ आ गए। अब सेम अगर ऐसे ही हम बनाएं, एक स्क्वायर बनाएं और एक सर्किल बनाएं, और इस बार क्या करें कि हम लोग दो लाइन दिखा दें, इसका मतलब क्या होता है कि इस नर यानी मेल की शादी इस फीमेल से हुई है, जो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, यानी वो एक दूसरे के रिलेशन में पड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि रिलेशन में भी शादी होती है, तो जो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होंगे तब हम डबल लाइन से दिखाएंगे, जबकि अनजान होगा, ये पुरुष किसी दूसरे वंशावली का है और ये मादा किसी दूसरे वंशावली का है, दोनों जान पहचान के नहीं है, तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे, जबकि दोनों रिलेटिव होंगे तो डबल लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, अगला चित्र पहचान लीजिए। अगर ऐसा हम बनाएं एक स्क्वायर, फिर एक बनाएं सर्किल, इसका मतलब इस नर की शादी इस मादा से हुई है, और फिर इधर से हम लाइन खींच करके और यहाँ पे दिखा दें एक सर्किल, इसका मतलब क्या हुआ कि इस नर की शादी इस मादा से हुई है, तो उनको एक क्या हुई है? पुत्री हुई है, यानी एक बेटी हुई है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे दिखाते, इस बार अगर स्क्वायर दिखाते तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि इस नर और इस मादा की, मतलब ये नर है और ये मादा है, इन दोनों की शादी हुई, तो यहाँ पे जो बच्चा हुआ वो मेल था। ठीक है, तीसरा चीज आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान चीज़ है ये। अगर ऐसे दिखाया जाए कि एक नर और एक मादा है, और इनसे एक यहाँ पे स्क्वायर हो और इसको कलर कर दिया जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नर और मादा थे, दोनों स्वस्थ थे, लेकिन जब इनकी शादी हुई और इनका जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ? पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ तो कैसा था? प्रभावित था, यानी वो किसी विकार से प्रभावित था। सेम अगर मैं ऐसे दिखाऊं और फिर इसको ऐसे दिखाऊं और ऐसे दिखाऊं, इसका मतलब इस नर की शादी इस मादा से हुई, तो उनके दो बच्चे हुए, दो बच्चों में जो सबसे पहले बच्चा हुआ वो पुत्र था, जबकि जो दूसरा बच्चा हुआ वो पुत्री थी। ठीक है, तो ये क्रम में रहता है। अगर चार हुआ होगा तो, अगर ऐसे बना दें यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब पहले पुत्र हुआ, फिर पुत्री हुई, फिर पुत्र हुआ और फिर पुत्री हुई। ठीक है, तो यानी चार बच्चे हुए, तो पहला का जो लिंग था वो क्या था? मेल फीमेल, इस तरह से होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आप सारा समझ गए होंगे, तो एक एग्जांपल लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसको मैं मिटा करके फिर आपको बताता हूँ। इससे पहले लेकिन मैं चाहूँगा आप इसको जरूर नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वंशावली बना लिया है, और फिर इसका हम लोग आप विश्लेषण करने वाले हैं। चूँकि ये किसी फैमिली का है, और उसके फैमिली के जो वंशागति है उसको मैंने चित्र द्वारा दर्शाया है, तो इसे वंशावली कहेंगे, और अब इसका अध्ययन करेंगे तो इसे हम लोग वंशावली विश्लेषण कहेंगे। तो देखिए, विश्लेषण शुरू करते हैं हम लोग अपना। ये प्ररूपी है, मतलब किसी भी फैमिली का लिया गया है। दो, एक मादा है और एक नर है, इन दोनों के बीच शादी हुई है, और उसके बाद उनके बीच जब संबंध बनता है तो उनके 1 2 3 4 चार संतानें होती है। जो एक नंबर पे, पहले नंबर पे होती है वो लड़की है, दूसरे नंबर पे लड़का है, तीसरे पे फिर लड़का है, और चौथे नंबर पे लड़की है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो मादा थी वो प्रभावित थी किसी बीमारी से, जबकि जो नर था वो प्रभावी नहीं था। तो उनकी सबसे पहली संतान कौन हुई? लड़की हुई, जो बिल्कुल स्वस्थ थी। दूसरी संतान कौन से हुआ? तो दूसरा संतान जो हुआ वो लड़का था, लेकिन वो प्रभावित था, यानी किसी बीमारी से प्रभावित था। उसी बीमारी से प्रभावी होगा जिस बीमारी से उसकी माँ प्रभावित थी। फिर जो तीसरा लड़का हुआ वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ, और जो लड़की थी वो प्रभावी हुई। अभी इसको छोड़ देते हैं और समझते हैं जो तीसरा लड़का हुआ, जो तीसरा ये लड़का हुआ है, इसकी शादी हुई किसी अन्य लड़की से। हमें नहीं पता वो कहाँ के लड़के हैं, लेकिन किसी अन्य लड़की से शादी हुई। तो उनकी फिर तीन संतानें हुई, पहले नंबर पर बेटी हुई, दूसरे नंबर पर बेटी हुई, और तीसरे नंबर पर लड़का हुआ यानी बेटा हुआ। और ये तीनों स्वस्थ हुए क्योंकि इनकी मम्मी और पापा, देखिए पापा और मम्मी ये दोनों स्वस्थ हैं, तो ये सभी स्वस्थ हुए। अब अगला जो था, एक लड़की जो प्रभावित थी किसी बीमारी से ग्रसित थी, उसकी शादी किसी अन्य लड़के से हुई। जो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विकार नहीं है उसमें, तो उनकी भी तीन संतानें हुई। एक नंबर पे कौन सा हुआ? लड़का। दो नंबर पे लड़की, और तीन नंबर पे भी लड़का हुआ। तो इसमें से क्या हुआ कि जो दोनों लड़के थे वे स्वस्थ थे, जबकि जो लड़की थी वो प्रभावी हुई। तो इस तरह से हम लोग वंशावली बना करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो इसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वंशावली विश्लेषण तथा अनुवांशिक विकार समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तब भी डिसलाइक कीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको हीमोफीलिया, वर्णाता, इन सब चीज़ों के बारे में जो एग्जाम्पल मैंने दिया था मेंडेलिया विकार के, उसको समझाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।